ए राजा राजा मोबाइल के लिए महाराजा जय सलाम मोहित। हां हाय मोहित, क्या बात है राखी जी? क्या बात है भाई राखी जी, क्या बात है? अरे यार मेरे आगे यहां पर देखिए किचन के कैमरे में। फोटो नहीं मिला। अब आपको पता है कि नहीं मेरी क्लोन ने क्या किया? मैं मक्का मदीना पहुंच गए, ये लोग यहाँ कोई दरगाह वरगा पहुंच गए। पूरे हिंदुस्तान को, वर्ल्ड को मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। नंगी घूम रही थी, उसे मैंने पूरे कपड़े पहनवा दिए, अबाया पहनवा दिया, बुरका पहनवा दिया, सबको शुक्रिया, मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। छोटे कपड़े पहनती हूँ तो वो पहनती, मैं साड़ी पहनती हूँ तो वो पहनती है, मैंने बुरखा पहना तो उसने पहन लिया। Yeah.
पास उनकी लीगल टीम है, ठीक है। इन दोनों की लड़ाई में मेरा क्या रोल है? मुझे दिक्कत इस बात से हुई थी कि राखी ने मुझ पर एक फर्जी आरोप लगाया। राखी को अच्छी तरह पता है कि मैं लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ, और जिसको लॉ की समझ होती है वो सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग जैसा अपराध क्यों करना चाहेगा? क्या मुझे नहीं पता कि इसका अंजाम क्या हो सकता है? लेकिन राखी सावंत के आरोप में जरा भी सच्चाई हो तो मुझे इस अपराध की सजा भुगतने को मैं मानती हूँ, मैं तैयार हूँ। अगर मैंने ये अपराध किया हो तो सजा दे, मैं भुगतने को तैयार हूँ। साइबर क्राइम में मैंने तीन लोगों का नाम दिया था, शर्लिन, आदिल और राश्रिका। मैंने कहा कि मुझे आधे घंटे पहले ही आदिल ने बोला था कि मैसेज था मेरे पास कि तुम देखो तुम्हें मैं कैसे बर्बाद करता हूँ, और मुझे सपने में भी ख्याल नहीं था। सुबह मेरी 6 बजे उमरा की फ्लाइट थी, मुझे सपने में भी ख्याल नहीं था कि ये मेरा सोशल मीडिया जो मेरी ब्रेड एंड बटर है, मेरा इंस्टाग्राम, मतलब मैं और मेरी टीम उड़ा देंगे। लेकिन उनकी टीम का मतलब क्या मैं मुझ पर उंगली न उठाया जाए? इनको ये कहना चाहती हूँ, पति पत्नी का झगड़ा कोर्ट में है, ठीक है, वो मीडिया ट्रायल करते हैं। मैं ये कहती हूँ कि पति पत्नी के बीच में आपका मतलब शर्लिन का कोई काम ही नहीं है। हम दोनों लड़ रहे हैं, हमारे कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट डिसाइड करेगी कि कौन गुनहगार है कौन नहीं है। कबाब में हड्डी बनना मुझे नहीं पसंद। यस, तो ये कहना चाहती हूँ शर्लिन चोपड़ा जी को कि आप पति पत्नी के बीच में कबाब में हड्डी ना बनिए। मैं कबाब में हड्डी कभी नहीं बनी। रिएक्शन दिया, मैंने कहा कि नहीं, ये पूरी दुनिया में तीन लोगों ही मेरे खिलाफ थे, तो मैं किसका, मैं पड़ोसी का जाके नाम दूं? क्योंकि जो मुझे आदिल खान दुरानी ने बोला था कि मेरी टीम, अब मेरी टीम कौन सी टीम? क्योंकि वर्ल्ड में तो तीन ही लोग दिख रहे, तीन तिगाड़ा इनका, तीन तिगाड़ा मेरा काम बिगाड़ा। कर दूंगी मैं इन सब का खात्मा, क्योंकि मेरा नाम है फातिमा। जो FIRs अलग अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। और रही बात कोई निजी रंजिश की, तो जो भी है हम आपस में बैठकर उसे सुलझा लेंगे। यू मीडिया के सामने एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछालेंगे। कुरान शरीफ पर हाथ रखकर ये कहने को तैयार हूँ कि मैं ताउम्र इसको अपना बहन मानती हूँ। देखिए मैं शर्लिन जी की बात पे इसलिए यकीन कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने कुरान शरीफ का पवित्र आसमानी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले सब वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।